धौलपुर विधायक शिवरानी कुशवाहा को कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार बनाए जाने पर उनके समर्थकों ने विधायक निवास पर पहुंचकर अपनी तरफ से शुभकामनाएं दी और आगामी विधानसभा चुनाव में शिवरानी कुशवाहा को पुनः भारी बहुमत से चुनाव जिताने की बात कही। साथ ही विधायक शिवरानी कुशवाहा ने सभी कार्यकर्ताओं एवं जनता जनार्दन से कड़ी मेहनत करने की अपील की। वहीं दूसरी ओर पूर्व सभापति रितेश शर्मा ने धौलपुर जिले में कौमी एकता के प्रतीक या सर्फ अब्दाल शाह पहाड़ वाले बाबा को फूल माला की चादर पेश की तथा धौलपुर में अमन भाईचारा और चैन की दुआ मांगी, जिसमें हिंदू एवं मुस्लिम भाई सैकड़ों की संख्या में शरीक हुए तथा हिंदू मुस्लिम एकता का पैगाम दिया। इस प्रोग्राम में सूफी सुल्तान अहमद रही साहब जमीर धौलपुरी, साहब नूर धौलपुरी, साहब जनाब सिराज खान, गुड्डू खान, धर्मेंद्र यादव, हरिदेव मुद्गल, हनीफ इरफान, निजाम खान, उपेंद्र शर्मा, हबीब भाई रहीश जमील, लाला मास्टर जनाब सिद्दीकी खान, बिलाल खान, इमरान भाई जान, कयूम बबलू खान, नौशाद राम अवतार पारसर, जयपाल गुर्जर, इमरान उस्मानी, अमान सहन वाज, आजम आसिफ खान के साथ तमाम हजरत मौजूद रहे। इसी प्रकार धौलपुर भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर शिवचरण सिंह कुशवाहा विधानसभा क्षेत्र के 79 के चुनाव प्रसार हेतु चुनाव कार्यालय का शुभारंभ और मीटिंग का आयोजन भार्गव वाटिका में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री एवं जिला चुनाव प्रभारी श्री धन सिंह रावत रहे। विशिष्ट अतिथि शिवराम सिंह कुशवाहा, पूर्व विधायक रघुवीर सिंह चौधरी, पूर्व सभापति नगर परिषद धौलपुर रजनीकांता कुशवाहा, पूर्व जिला अध्यक्ष वांकेलाल लोधा, नीरजा अशोक शर्मा, कल्पना शर्मा, महिला संयोजिका भाजपा महिला मोर्चा उमेदीलाल कुशवाहा, भूपेंद्र घुरैया जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा, अजय सिंह परमार, हेम सिंह लोधा, प्रशांत परमार, रामवीर सिंह त्यागी, मुस्ताक कुरैशी। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष सतेंद्र पारसर ने की। कार्यक्रम में भाजपा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करते हुए धन सिंह रावत ने कहा कि विधानसभा चुनाव 25 नवंबर को डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा को भारी बहुमत से विजय मनाए। कार्यक्रम का संचालन शरीफ खान एडवोकेट, पूर्व जिला महामंत्री भाजपा ने किया। कार्यक्रम में रामवीर सिंह चौधरी, नत्थी सिंह, बच्चू मामा, धीर सिंह जादौन, अकील अहमद बॉबी, अविनाश शर्मा, छाया शर्मा, शैलेंद्र यादव, विजय श्रीवास्तव, नरेंद्र तोमर, अनिल चौधरी, दिग्विजय सिंह रजावत, राजकुमार गुर्जर, दिनेश चौधरी, हरेंद्र राव, अलमुद्दीन अंसारी, जयंत मोदी, रजत जनसंघी आदि भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। धौलपुर में गुरुद्वारा अस्पताल के बीच रोड पर गुरुवार देर रात को प्रसूता को ले जा रहा एक ऑटो खराब हो गया। ऑटो की खराब हो जाने के बाद उसमें मौजूद प्रसूता की तबीयत बिगड़ गई। इसी दौरान प्रसूता के साथ मौजूद दूसरी महिलाओं ने सड़क पर ही प्रसूता का प्रसव कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि प्रसूता अपने परिवारजनों के साथ गाँव से प्रसव कराने के लिए जिला अस्पताल की ओर जा रही थी। इसी दौरान प्रसूता को ला रहा ऑटो गुरुद्वारा अस्पताल रोड पर खराब हो गया। ऑटो की खराब हो जाने के बाद प्रसूता प्रसव के दर्द से कराह उठी। प्रसूता का दर्द देखने के बाद ऑटो में मौजूद महिलाएं उसे लेकर सड़क पर आ गई। जब महिलाओं द्वारा साड़ियां लगाकर सड़क पर ही प्रसूता का प्रसव कराया गया। सड़क पर हुए प्रसव में प्रसूता को एक बच्ची का जन्म हुआ। इसी दौरान मौके से गुजर रहे लोगों ने एम्बुलेंस को कॉल कर बुला लिया। मौके पर पहुंची एम्बुलेंस की मदद से जच्चा और बच्चा को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से परिजन दोनों को लेकर निजी अस्पताल पहुंच गए। निजी अस्पताल में भर्ती कराए गए जच्चा और बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है। देर रात को हुई घटना के बाद स्थानीय लोगों ने सड़क पर हुए प्रसव के लिए सड़कों में हो रहे गड्ढों को जिम्मेदार ठहराया है। कंचनपुर थाना पुलिस ने 3 दिन पहले हुए रेप के मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ महिला ने थाने में घर में घुसकर मारपीट कर रेप करने का मामला दर्ज कराया था। मामले में 2 दिन के अंदर पुलिस ने आरोपी को कुरेंदा मोड़ से गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी योगेंद्र शर्मा ने बताया कि एक महिला ने 24 अक्टूबर को थाने में रेप का मामला दर्ज कराया था। मामले में बताया गया था कि वह देर रात को
घर पर अकेले थी। इस दौरान सुनील पुत्र वासुदेव निवासी कंचनपुर उसके कमरे में घुस गया, जहां उसने महिला के साथ रेप की वारदात को अंजाम देते हुए उसके साथ मारपीट भी की। महिला के शोर मचाने पर आरोपी मौके से फरार हो गया। थाना प्रभारी ने बताया कि रेप का मामला दर्ज होने के बाद पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी। आरोपी की तलाश के लिए गठित की गई पुलिस की टीम को उसके कुरेंदा मोड़ पर आने की सूचना मिली, जहां पुलिस की टीम ने रेप के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। मनिया थाना क्षेत्र में आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर गुरुवार रात को एक ट्रक ने बाइक सवार को कुचल दिया। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के दौरान ट्रक का पहिया बाइक सवार के सिर पर होकर गुजर गया। हेलमेट लगा होने के बाद भी बाइक सवार की जान नहीं बच सकी। मांगरोल दराहे के पास हुए हादसे की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अनिल जसूरिया पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जहां से युवक के शव को मनिया अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया। मृतक युवक की पहचान रघुवीर सिंह पुत्र हरि सिंह राणा निवासी जिरौली के रूप में हुई। प्राथमिक पूछताछ के बाद सामने आया कि युवक बाइक से पप्पू जाट ढाबे से कागा रोल की ओर जा रहा था। रास्ते में पीछे से तेज गति से आ रहे ट्रक ने बाइक सवार को कुचल दिया। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए नाकाबंदी कराई। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, आपके शहर धौलपुर में मानस फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स नव दुर्गा एवं दीपावली के उपलक्ष में लेकर आए हैं इलेक्ट्रॉनिक सामान। एलईडी, एलसीडी, वॉशिंग मशीन, एसी की खरीद पर निश्चित उपहार फ्री पाए। हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, कुर्सी, फ्रिज, एलईडी, एलसीडी, सिलाई मशीन, मिक्सी, अलमारी, गद्दे, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि का सामान उचित रेट पर मिलता है। हमारे यहाँ शादी पार्टी एवं विवाह का फर्नीचर ग्राहक के मनपसंद से भी तैयार किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। प्रोपराइटर आपके जाने पहचाने अजय मित्तल तसीमो वालों का शोरूम। मोबाइल नंबर 7877-06-0049। धौलपुर सदर थाने के साथ फ्लाइंग स्क्वाड की टीम ने नाकाबंदी के दौरान एक कार से 6,90,000 रुपए जब्त किए हैं। पुलिस ने पैसों के साथ कार को भी जब्त किया। कार सवार व्यापारी धौलपुर से पैसे लेकर बसेड़ी की ओर जा रहा था, जिससे सूरजपुरा गांव के पास नाकाबंदी के दौरान रुपए बरामद किए गए। सदर थाना प्रभारी कृष्ण कुमार ने बताया कि एसपी मनोज कुमार और जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार अग्रवाल के निर्देशन पर थाना पुलिस एवं फ्लाइंग स्क्वाड की टीम के साथ नाकाबंदी कराई जा रही थी। जिस नाकाबंदी में धौलपुर से आई हुई स्विफ्ट कार को चेक किया तो उसमें मौजूद व्यापारी विनोद कुमार के पास से बैग में पुलिस को 6,90,000 रुपए मिल गए। व्यापारी द्वारा पैसों को लेकर संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने कार और पैसे दोनों जब्त कर लिए। थाना प्रभारी ने बताया कि आचार संहिता के तहत की गई कार्यवाही में नाकाबंदी में कार से मिले पैसों को जब्त किया गया। वहीं व्यापारी के मुताबिक वह पैसे लेकर अनाज खरीदने जा रहा था, जहां रास्ते में नाकाबंदी में उसे पकड़ लिया गया। सुबह एफएसटी टीम के साथ मैं स्वयं इलाका थाने में था, जिस पर एक व्यक्ति जो अपनी स्विफ्ट कार से जा रहा था उसको रुकवाया गया। उसकी गाड़ी को चेक किया तो उसमें 6,90,000 रुपए छुपा कर रखे हुए थे। उससे उन इतने सारे रुपयों को लेकर परिवहन करने के बारे में पूछा गया तो उसने कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया, नहीं उन पैसों के बारे में बताया कि ये पैसे किसके हैं और उनके पैसों के संबंध में कोई भी कागजात उसने नहीं बताए। इस पर सदर पुलिस द्वारा 102 CRPC में रुपयों को जब्त किया गया। उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी गई है और गाड़ी को रिसीव किया गया। संदिग्ध अवस्था में हुई युवक की मौत, पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को किया सुपुर्द।
थाना क्षेत्र के नागर गांव के पास एक ईंट भट्टे पर संदिग्ध अवस्था में एक युवक की मौत का मामला सामने आया। वहीं घटना की सूचना पर राजाखेड़ा थाना पुलिस ने मृतक युवक के शव को अपने कब्जे में लेकर राजाखेड़ा स्थित शहीद राघवेंद्र सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवा दिया, जहां पुलिस ने गुरुवार दोपहर बाद मृतक युवक के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। मामले को लेकर पुलिसकर्मी यतेंद्र सिंह ने बताया कि बुधवार दोपहर राजाखेड़ा के नागर गांव के पास एक ईंट भट्टे पर संदिग्ध अवस्था में युवक की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक युवक के शव को अपने कब्जे में लेकर राजाखेड़ा के सरकारी अस्पताल की मॉर्चरी में रखवा दिया और मृतक युवक के संबंध में पहचान कर परिजनों को सूचना दी गई। पुलिस ने बताया कि मृतक युवक विकेश पुत्र रोहन लाल उम्र करीब 30 साल निवासी वनगांव एटा उत्तर प्रदेश ईंट भट्टे पर डंपर चलाने का कार्य करता था। वहीं मामले को लेकर राजाखेड़ा थानाधिकारी राम खिलाड़ी मीना ने बताया कि परिजनों की मौजूदगी में मृतक युवक के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है और मामले में मर्ग दर्ज कर मृत्यु के कारणों की जाँच की जा रही है। आगामी विधानसभा चुनाव में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करने राजाखेड़ा एवं बाड़ी सदर इलाके में पुलिस और अर्धसैनिक बल के अधिकारियों व जवानों के साथ किया पैदल फ्लैग मार्च। विधानसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने व आमजन के मन में कानून व्यवस्था का एहसास करने के लिए एरिया डोमिनेंस के तहत शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करने, आचार संहिता का सख्त पालन करने, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव में पुलिस और प्रशासन का सहयोग करने और मतदाताओं को भय मुक्त करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश मीणा व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एडीएम देवेंद्र प्रताप सिंह के सुपरविजन में पुलिस टीम प्रशासन व अर्धसैनिक बल के अधिकारियों व जवानों के साथ जिले के अलग अलग स्थानों पर प्रतिदिन पैदल फ्लैग मार्च निकालकर मतदाताओं को भयमुक्त होकर मतदान करने का संदेश दे रही है। आज जिले में वृत्त अधिकारी वृत्त बाड़ी महेंद्र सिंह व सीआरपीएफ के कंपनी कमांडर इंद्रमोहन नेगी के नेतृत्व में बाड़ी सदर थाना के अंतर्गत अति संवेदनशील स्थानों बहादुरपुर, सुनीपुर, निधार, मसूरा, विजोली, कंसोटी खेड़ा, सरोरा व राजाखेड़ा थाना इलाके के अंतर्गत थानाधिकारी थाना राजाखेड़ा राम खिलाड़ी व कंपनी कमांडर सीआरपीएफ सुधीर कुमार के नेतृत्व में अति संवेदनशील मतदान केंद्र जगमोहनपुरा, सिलावट, दिघी, नागर, सिंघावली, सिकरौदा, बाजना आदि में पुलिस एवं अर्ध सैनिक बलों के साथ पैदल मार्च निकाला गया एवं भयमुक्त होकर मतदाताओं को मतदान करने का संदेश दिया गया। राम राम किशन भैया। राम 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 भैया। आओ यो बताओ कभी खाद बीज कहाँ ते ले यार। अरे यार जब अपनों दुबे खाद बीज भंडार खुलेगा हुए तो कितने अंत ते क्यों लेंगे। वहाँ बढ़िया तो रेट मिल रही है और सब कंपनी की वैरायटी मिल रही है और भरोसेमंद आदमी है। राजाखेड़ा रोड पे ते जो तगावली मोड़ होते हुए नहीं वहीं दुबे खाद बीज भंडार खुलेगा हुआ है तो अब की भैया हम तो दुबे खाद बीज भंडार पे ते ही ले रहे हैं। तू बता। पर वो तो सब ठीक है यार पर दुकान तो नहीं है यार भैया। जी बात तो बिल्कुल तेई सही है कि दुकान तो नहीं है पर तो यूँ पता होनी चाहिए कि बिनके मोड़े ने कृषि विषय में ही तो पढ़ाई लिखाई करी है और बनवारी बोरे मनीराम के पुरावाई ने कोई एक मोड़ा कृषि विभाग में ही सरकारी नौकर होएगा हुआ है और बिनको मोड़ा एक खाद बीज की कंपनी में बड़ी पोस्ट पर लगा हुआ है तो यो कहो तो जी है कि बिने दूसरे से ज़्यादा खेती बाड़ी के बारे में आधुनिक खेती के बारे में ज़्यादा जानकारी है। ठीक है भैया तो अब हम वहीं लेंगे और अब की तो दुबे खाद बीज भंडार पे ही चलेंगे। ठीक है भैया बिल्कुल संग ही चलेंगे। दुबे खाद बीज भंडार राजाखेड़ा रोड तगावली मोड़ धौलपुर सतीश दुबे मनीराम का पूरा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9610079879 पे। पूर्व सरपंच की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा हुई आयोजित। राजाखेड़ा क्षेत्र की बहुचर्चित
शख्सियत देवखेड़ा ग्राम पंचायत से पूर्व सरपंच व पूर्व पंचायत समिति सदस्य स्वर्गीय राम अवतार पारासर की 20वीं पुण्यतिथि पर आज लंबरदार विक्र फील्ड देवखेड़ा में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जिसमें उनके चाहने वालों ने उन्हें नम आंखों से याद करते हुए अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि सभा के मौके पर राजाखेड़ा में से कई लोग शामिल हुए, जहां उन्होंने राम अवतार पारासर के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि दी। इस दौरान लोगों ने अपने अपने विचार रखते हुए कहा कि पूर्व सरपंच स्वर्गीय राम अवतार पारासर अपने समय में ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ व निडर व्यक्ति रहे थे। छल कपट उनके स्वभाव में नहीं था, जो वो कहते थे वही करते थे, इसलिए उन्होंने सर्व समाज का नेता माना जाता था। 2003 से पहले वे भाजपा के दिग्गज नेताओं में शामिल थे। उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत व वसुंधरा राजे का भी करीबी बताया जाता था। अपने समय में उन्होंने हमेशा गरीबों की सहायता करने का कार्य किया। श्रद्धांजलि सभा में इस दौरान उनके भतीजे दिलीप पारासर, पुत्र आशीष सहित परिवारी जन एवं पंकज शर्मा, जगन किरोड़ी लाल जाटव, ब्राह्मण समाज अध्यक्ष पवन उपाध्याय, कैलाश चिहार, रामवीर शर्मा, मधुसूदन शर्मा, उत्तम दीक्षित, माधो सिंह सरपंच, उत्तम दीक्षित गिरिराज मास्टर, गणेश सरपंच, बंटी सरपंच, कुमार सिंह, मुकेश भगेल, गुलाब सिंह मैतर आदि लोग मौजूद। धौलपुर जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार अग्रवाल के निर्देशन में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एसडीएम मनीष कुमार ने धौलपुर विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा आम चुनाव 2023 के मद्देनजर रखते हुए प्रत्येक मतदान केंद्र पर स्वीप कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने हेतु बैठक का आयोजन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महाराणा धौलपुर में किया। बूथ अवेयरनेस ग्रुप के सदस्यों से बूथ अवेयरनेस के बारे में जाना और आवश्यक निर्देश दिए एवं ऐप के बारे में जानकारी लेकर मतदाताओं को जागरूक करने के निर्देश दिए। बैठक में बूथ लेवल अधिकारी एवं पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी, एएनएम, स्थानीय निकाय प्रतिनिधि सदस्य शामिल हैं। इस स्वतंत्रता दिवस बेहतरीन मॉडल्स, बेहतरीन डिस्काउंट और बेहतरीन ऑफर्स के साथ स्वतंत्रता दिवस पर अपडेटेड मॉडल्स पर 3,999 रुपए तक की छूट पाए। नवीन इलेक्ट्रा प्रो मॉडल पर 4,999 रुपए की भारी छूट। आपके बजट के अनुसार इलेक्ट्रिक गाड़ियां, रियटू इलेक्ट्रिक स्कूटी, एटम का अपडेट मॉडल एटम प्रो, न्यूट्रेन का अपडेट मॉडल न्यूट्रेन प्रो, नया मॉडल इलेक्ट्रा प्रो। आज ही संपर्क करें, अपनी स्कूटी बुक कराएं और डिस्काउंट का लाभ उठाएं। हमारा पता है बालाजी मोटर्स, राजाखेड़ा रोड, तगावली मोड़, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9610079879 और 8619490342। जयमा दुर्गे एवं लोहारी ग्रामवासियों की ओर से भव्य भंडारे का हुआ आयोजन। भंडारे में ओमड़ा जनसैलाब, कई प्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक भी पहुंचे। जयमा दुर्गे एवं लोहारी ग्रामवासियों की ओर से भव्य भंडारे का आयोजन हुआ। भंडारे में ओमड़ा जनसैलाब, कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक भी पहुंचे। धौलपुर शहर की गांव लोहारी पंचायत में जयमा दुर्गे एवं लोहारी ग्रामवासियों के सहयोग से आज मंदिर के सामने भव्य भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने आसपास के कई गांवों का निमंत्रण किया। तो वहीं श्रद्धा और आस्था विश्वास के साथ उन्होंने भंडारे में आनंद के साथ प्रसादी पाई। ग्रामवासियों ने मिलजुल कर भंडारे में एक दूसरे के लिए कार्य को बांट कर किया। तो वहीं धौलपुर शहर के जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य लोग भी इस भंडारे में शामिल हुए। गांव के ही एक प्रतिष्ठित व्यक्ति राम नरेश ने बताया कि इस मंदिर में कई सालों से भंडारे का आयोजन किया जाता है, जो लगातार कई वर्षों से चल रहा है। इस भंडारे में गांव वालों ने अपने अपने कार्य को जिम्मेदारी के साथ और मिल बांट कर किया। इस मौके पर विजय कुमार शर्मा, मंटू दास पुजारी, रामेश चंद्र शर्मा, राम नरेश, जमुना राजपूत, कैलाश ओम प्रकाश, श्री भगवान, मुना त्यागी, नथुआ रूप सिंह, हकीम, लेडी विजय सिंह, विष्णु दिवाकर, विनोद दिवाकर आदि लोग मौजूद रहे।